السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وعملا، اللهم فقهنا في الدين، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. क्या हाल है आप तमाम के? उम्मीद करती हूँ सभी खैरियत से होंगे। आज इंशाअल्लाह हम सूरह निसा की आयत नंबर 29 से 33 तक का सबक पढ़ेंगे। तर्जुमा करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीन आमनु, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, ला ताकुलू, ना तुम खाओ, अम्वालकुम बैनकुम, अपने माल आपस में, बिलबातिली, ना हक तरीके से, इल्ला मगर अन तकूना तिजारतन, ये कि हो तिजारत, अन तराज़िम मिनकुम, तुम्हारी बाहिमी रजामंदी से, वला तक्तुलू अनफुसकुम, और ना तुम कत्ल करो अपने नफ्सों को, इन्नल्लाहा बेशक अल्लाह काना है, बिकुम तुम्हारे साथ, रहीमा निहायत रहम करने वाला। वमन यफअल ज़ालिका, और जो कोई करेगा ये, उदवानन ज़ियादती से, वज़ुल्मन और जुल्म से, फसौफा पस अनकरीब, नुस्लीही हम उसे दाखिल करेंगे, नारन आग में, वकाना ज़ालिका और है ये, अलल्लाही अल्लाह पर, यसीरा निहायत आसान। इंतज तनीबू, अगर तुम बचोगे, कबा इरा बड़े गुनाहों से, मा तुन्हाउना वो जो तुम्हें रोका जाता है, अनहु उससे, नुकफ़िर तो हम दूर करेंगे, तो हम दूर कर देंगे, अनकुम तुम से, सैयातिकुम तुम्हारी बुराइयां, वनुदखिलकुम मुदखलन करीमा और तुम्हें हम तुम्हें दाखिल करेंगे इज्जत की जगह में, वला ततमन्नौ और ना तुम तमन्ना करो, मा फज़लल्लाहु उसकी जो फजीलत दी अल्लाह ने, भी उसके साथ, बाज़कुम तुम्हारे बाज़ को, अला बाज़िन बाज़ पर, लिर्रिजाली मर्दों के लिए, नसीबुन हिस्सा है, मिम्मा उससे, मिम्मक तसबू उससे जो उन्होंने कमाया, वलिन्निसाई नसीबुन और औरतों के लिए हिस्सा है, मिम्मक तसबना उससे जो उन्होंने कमाया, वसअलुल्लाह मिन फज़लिही और तुम अल्लाह से सवाल करो उसके फजल का, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह काना है, बिकुल्लि शैइन अलीमा हर चीज को खूब जानने वाला, वलिकुल्लिन जानना और हर एक के लिए हमने बनाए, मवालिया वारिस, मिम्मा उसके जो तरका छोड़ा, तरकल वालिदानी छोड़ा माँ बाप ने, वलअक़रबून और करीब तर रिश्तेदारों ने, वल्लदीना और वो लोग जिनसे अक़ादत ऐमानुकुम गिरह बांधी तुम्हारे दाएं हाथों ने, फ़आतूहुम नसीबहुम तो तुम दो उन्हें उनका हिस्सा, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह काना है, अला कुल्ली शैइन शहीदा हर चीज पर गवाह। अल्लाह सुबहाना व तआला सूरह निसा आयत नंबर 29 में इरशाद फरमाते हैं, ऐमान वालों अपने आपस के माल नाजायज तरीके से मत खाओ, मगर ये कि तुम्हारी आपस की रजामंदी से खरीदो फरोख्त हो, और अपने आप को कत्ल ना करो, यकीनन अल्लाह ताला तुम पर निहायत मेहरबान है। अब इस आयत में लफ्ज आया ला ताकुलु अम्वालकुम बैनकुम बिलबातिली, यानी अपने आपस के माल नाजायज तरीके से मत खाओ। बिल बातली जो लफ्ज है
उसमें हर तरह का धोखा, फरेब, जालसाजी, मिलावट, जो कारोबार में की जाए, जिससे शरीयत ने मना किया, वो सब चीजें बिलबातुली में शामिल हैं। बाद मुफस्सिरीन कराम ने बिलबातुली की तफसीर को बहुत ज्यादा डिटेल में बयान फरमाया। बाद ने इसको मुख्तसर कहा, गर्ज ये कि हर वो फरेब, धोखा, जालसाजी, मिलावट जिनसे शरीयत ने मना फरमा दिया वो कारोबार में करना, वो क्या है, आपस की जो है वो नाजायज तरीके से इस तरह अल्लाह ने मना फरमा दिया कि तुम ना करो। अल्लाह ने तमाम ममनू और हराम चीजों का कारोबार करना बता दिया कि वो बातिल है, इससे बचाओ। अब इस तरह मसलन फोटोग्राफी है, रेडियो है, टीवी, वीसीआर, वीडियो फिल्में और गलत कैसेटें वगैरह जो हैं, मुफस्सिरीन कराम लिखते हैं इनका बनाना, बेचना, मुरम्मत करना ये सब नाजायज हैं और ये बिलबातुली में शामिल होती हैं। लिहाजा ईमान वालों को अल्लाह ने हुक्म दिया अपने आपस के माल नाजायज तरीके से मत खाओ। यानी जब तुम माल कमाओ, खरीद फरोख, कारोबार, तिजारत करो तो धोखा फरेब, जालसाजी, मिलावट और उन तमाम चीजों से पाकीजा कारोबार करो जिनसे शरीयत ने मना फरमाया है। आगे फरमाया, मगर ये कि तुम्हारी आपस की रजामंदी से खरीदो फरोख्त हो। यानी अब आपस की रजामंदी से तुम जो खरीद फरोख्त कर रहे हो, धोखा नहीं, मिलावट नहीं होना चाहिए उसमें भी। उसमें भी शर्त यह है कि ये लेन देन हलाल अशिया का हो, हराम अशिया का कारोबार बाहमी रजामंदी के बावजूद भी नाजायज ही शुमार होगा। इसके अलावा जो रजामंदी होती है जिसको खयारी मजलिस भी कहा जाता है, यानी जब तक एक दूसरे से जुदा ना हो सौदा फसख करने का अख्तियार रहेगा। बुखारी मुस्लिम में हदीस आती है, अलबयानी बिलखयारी मालम ये तफर्रका, दोनों बाहम सौदा करने वालों को जब तक जुदा ना हो इख्तियार है। यानी जब दो सौदा करने वाले बाहम रजामंदी से हलाल तरीके से कोई खरीद फरोख तजारत कर रहे हैं, तो जब तक वो एक दूसरे के साथ बैठे हैं, जुदा नहीं हुए, तो वो उसमें जो चेंजिंग करनी है, जो रद्दो बदल करना है, सौदा फसख करना है, उसको खत्म करना है, वो उसी दौरान कर लें। जुदा होने के बाद एक दूसरे को धोखा देना, फरेब करना, इससे मना फरमाया गया कि ऐसा ना करो। आगे फरमाए, और अपने आप को कत्ल ना करो। अब ये जो लफ्ज है अपने आप को कत्ल ना करो, मुफस्सिरीन कराम इसके तीन मतलब बयान करते हैं। अगर हम इसको पहले वाले मजमून से जोड़ दें जिसमें कहा गया कि बातिल तरीके से माल ना खाओ, तो अगर उससे जोड़ा जाए तो इसके मायने ये होंगे कि बातिल तरीकों से दूसरों का माल हजम करके अपने आप को हलाक ना करो। और अगर इसका मायने दूसरी तरह से लिए जाए तो मतलब ये होगा कि एक दूसरे को कत्ल ना करो। यानी ना हक कत्ल ना करो, जो हुकूक़ुल इबाद में सबसे बड़ा गुना है। कयामत को हुकूक़ुल इबाद में सबसे पहले कत्ल ना हक के मुकदमात का ही फैसला होगा। एक मतलब ये बयान किया जाता है कि अपने आप को कत्ल ना करो, इससे मुराद खुदकुशी ना करो। फरमाया गया, इंसान की अपनी जान पर भी उसका अपना तसर्रुफ ममनू और खुदकुशी करना गुनाह कबीरा है। हसन बसी रहिमहुल्लाह फरमाते हैं, तुमसे पहले लोगों में से किसी एक को फोड़ा निकला, जब उसे तकलीफ ज्यादा हुई तो उसने अपने तुर्कश से एक तीर निकाला और फोड़े को चीर दिया, फिर उससे खून बंद न हुआ यहाँ तक कि वह मर गया। तब अल्लाह ताला ने फरमाया, मैंने इस पर जन्नत को हराम कर दिया। यानी अपने आप को कत्ल करना, हलाक करना, खुदकुशी करना, अल्लाह कहते हैं ऐसे शख्स पर जन्नत को अल्लाह ने हराम कर दिया है। तो जो खुदकुशी है वो कबीरा गुनाह है। अल्लाह ताला हम तमाम को इस गुनाह से बचाए। बिलाशुबा अल्लाह ताला तुम पर निहायत मेहरबान है। आगे फरमाए, और जो शख्स इजराहे जुल्म व ज़्यादती ऐसे काम करेगा, हम जल्द ही उसे दोज़ख में डाल देंगे
और अल्लाह के लिए ये बहुत ही आसान है। अब अल्लाह ने कहा, जो जुल्म और ज्यादती करते हुए गुनाह करेगा, ऐसा मासियत का इर्तिकाब करेगा, अवामिर व नवाही की परवाह ना करेगा, गुनाहों का इर्तिकाब करता जाएगा, तो अल्लाह ने उसकी सजा दोजख रखी है। आगे फरमाया, जिन बड़े बड़े गुनाह के कामों से तुम्हें मना किया गया है, अगर तुम उनसे बचते रहे तो हम तुम्हारी छोटी मोटी बुराइयों को तुमसे तुम्हारे हिसाब से मिटा देंगे और तुम्हें इज्जत की जगह दाखिल करेंगे। इस आयत में कबीरा गुनाहों का तस्करा है। कबीरा गुनाह की तारीफ में मुख्तलिफ कौल आते हैं। बास के नजदीक ये वो गुनाह है जिन पर हद मुकर्रर है। बास के नजदीक वो गुनाह जिन पर कुरान में या हदीस में सख्त वाईद या लानत आई है। बास कहते हैं हर वो काम जिसे अल्लाह ने या उसके रसूल ने बतौर तहरीम के रोका है, और हकीकत यह है कि उनमें से कोई एक भी बात किसी गुनाह में पाई जाए तो वो कबीरा गुनाह है। अहदीस में मुख्तलिफ कबीरा गुनाहों के बारे में तस्करा आता है। अहदीस में मुख्तलिफ कबीरा गुनाहों का तस्करा आता है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सात हलाक करने वाले गुनाहों से बचो। सहाबा ने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल, वो कौन कौन से हैं? फरमाया, शिर्क बिल्ला, जादू, ऐसी जान को नाहक कत्ल करना जिसे अल्लाह ने हराम करार दिया है, सूद, यतीम का माल खाना, मैदान जंग से फरार, पाकबाज, भोली भाली मामी औरतों पर तोहमत लगाना। सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं, मैंने अल्लाह के नबी से पूछा, अल्लाह के नजदीक कौन सा गुनाह बड़ा है? फरमाया, ये कि तू किसी और को अल्लाह के बराबर कर दे, हालांकि अल्लाह ही ने तुझे पैदा किया। मैंने अर्ज किया, ये तो वाकई बड़ा गुनाह है। इसके बाद कौन सा बड़ा गुनाह है? फरमाया, तू औलाद को इस डर से मार डाले कि उसे खिलाना पड़ेगा। मैंने पूछा, फिर कौन सा गुनाह बड़ा है? फरमाया, कि तू हमसाये की बीवी से जिना करे। सैयदना अनस बिन मालिक कहते हैं, अल्लाह के नबी ने कबीरा गुनाहों का तस्करा करते हुए फरमाया, बड़े गुनाह ये हैं कि अल्लाह के साथ शिर्क करना, नाहक खून करना, वालिदैन को सताना। फिर फरमाया, क्या मैं तुम्हें बड़े से बड़ा गुनाह ना बताऊं? कौलज़्ज़ूर यानी झूठ को हेरा फेरी से सच बनाना या ऐसे ही झूठी गवाही देना। अलगर्ज ये कि जो कबीरा गुनाह है, जो उनकी फहरिस्त है, वो बहुत तवील है। मुख्तलिफ अहादीस में मुख्तलिफ कबीरा गुनाहों का तस्करा है। अब बाज गुनाह ऐसे होते हैं जो मौका और महल के लिहाज से मजीद शिद्दत इख्तियार कर जाते हैं। मसलन लोगों का माल नाजायज तरीके से खाना कबीरा गुनाह है, मगर जब यतीम का माल खाया जाएगा तो ये और भी बड़ा गुनाह होगा। और इसी तरह फरेब के साथ माल बेचना गुनाह है, मगर जब झूठी कसम खाकर माल बेचा जाएगा तो ये और भी बड़ा गुनाह बन जाएगा। आम औरतों पर तोहमत लगाना भी बड़ा गुनाह, मगर भोली भाली अनजान औरतों पर तोहमत लगाना मजीद शिद्दत इख्तियार कर जाएगा। औलाद का कत्ल करना बड़ा गुनाह, मगर मुफलिसी के डर से औलाद का कत्ल करना और भी बड़ा गुनाह है। इसी तरह जिना एक कबीरा गुनाह है, मगर जब यह जिना अपनी माँ, बेटी, बहन या दीगर मुहर्रमात से किया जाए तो ये गुनाह मजीद शिद्दत इख्तियार कर जाता है। इसी तरह अगर शादीशुदा औरत या मर्द जिना करे तो ये गुनाह कमारे मर्द या औरत से ज्यादा शदीद होगा। ऐसे ही हमसाय की बीवी से जिना करना किसी दूसरी औरत से जिना करने की बानिस्बत शदीद होगा, या बूढ़े आदमी का जिना करना जवान आदमी के जिना करने से निस्बत ज्यादा शदीद होगा। और अगर बूढ़ा जानी अपने हमसाय की बीवी से जिना करे तो किसी दूसरी औरत से जिना करने की बानिस्बत इसका गुनाह तीन गुना बढ़ जाएगा। यही सूरत बाकी गुनाहों की होती है। लिहाजा किसी छोटे गुनाह को हकीर समझते हुए उसे मुसलसल करते जाना उस पर अड़े रहना भी कबीरा गुनाह बना देता है।
इस गुनाह के काम करने के बाद करने वाले पर अल्लाह की फरिश्तों की और सब लोगों की लानत का जिक्र हो या सिर्फ अल्लाह के या सिर्फ रसूल की लानत का जिक्र हो तो वो भी कबीरा गुनाहों में शामिल होगा। जिस गुनाह के बारे में ये जिक्र आता हो कि कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी तरफ देखेंगे भी नहीं या उससे कलाम नहीं करेंगे या उस पर गुस्सा होंगे तो वो भी कबीरा गुनाह कहलाएगा। अल्लाह कहते हैं अगर तुम इन कबीरा गुनाहों से बचते रहोगे तो हम तुम्हारी छोटी मोटी बुराइयों को तुमसे महफ कर देंगे यानी मिटा देंगे हम उसको और तुम्हें इज्जत की जगह दाखिल करेंगे। यानी बड़े बड़े गुनाहों से इज्तनाब के बाद छोटे गुनाह अल्लाह वैसे ही माफ़ फरमा देंगे और जवाब तलबी नहीं फरमाएंगे। लेकिन अगर बड़े गुनाहों से इज्तनाब न किया जाए तो साथ ही साथ छोटे गुनाहों का भी मुआवजा होगा। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह नजम में सईआत के बजाय लमम का लफ्ज इस्तेमाल किया और लमम के मायने भी छोटे गुनाह होते हैं। सैयदना इब्ने अब्बास की वजाहत के मुताबिक सईआत या अल्लमम जो लफ्ज है वो छोटे गुनाह होते हैं, इससे मुराद जो किसी बड़े गुनाह का सबब बनते हैं। मसलन हदीस में आता है आपने फरमाया आंख का जिना है, कान का भी जिना है, जबान का भी और हाथ पांव का भी। फिर फर्ज या उनकी तस्दीक कर देता है या तकसीब कर देता है। यानी जब इंसान छोटे मोटे गुनाह करता है, अगर हम जिना की मिसाल लें तो पहले गैर महरम की तरफ गंदी निगाह से देखना, कानों से गंदी बात का सुनना, जबान से गलत अल्फाज का इस्तेमाल करना, हाथ पांव का इस्तेमाल करके उस गलत काम के लिए जाना, तब जाके हमारी जो शर्मगाह है फर्ज वो जिना को या तो इर्तिकाब कर देती है या तकसीब कर देती है। मतलब छोटे मोटे गुनाह ही हमें बड़े गुनाहों की तरफ लेकर जाते हैं। अब आंख का जिना गैर महरम की तरफ देखना, पांव का उसके पास चल कर जाना, जबान का उससे शहवानी गुफ्तगू करना और नफ का उस जिना की ख्वाहिश करना। अब अगर जिना उससे सादिर हो जाता है तो बाकी छोटे गुनाह भी बरकरार रहेंगे और अगर बच जाता है तो ये छोटे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे बशर्ते कि वो नेक आमाल भी बजा लाने वाला हो, तो इन नेक आमाल की वजह से ये छोटे गुनाह माफ हो जाते हैं। आगे फरमाया अगर अल्लाह ने तुम में से किसी एक को दूसरे पर कुछ फजीलत दे रखी है तो उसकी हविस न करो। अब दुनिया में अल्लाह ने किसी को कोई खूबी दे रखी है, किसी को कोई दूसरी चीज दे रखी है, कोई मालदार है कोई गरीब है, कोई हसीन है तो कोई बदसूरत है, कोई बीमार और लागर है तो कोई सेहतमंद है तंदुरुस्त है, कोई किसी के आजा बिल्कुल सालिम है तो कोई पैदाइशी अंधा या गूंगा बहरा होता है, कोई बड़ा अकलमंद और जहीन होता है तो कोई कुन जहन होता है, किसी में किसी तरह की सलाहियत मौजूद तो किसी में किसी तरह की सलाहियत, और इन्हीं की वजह से इस जहां की रंगीनियां कायम है और इस दुनिया में एक दूसरे के काम चलते चलाते हैं। अब अल्लाह कहते हैं अगर तुम एक दूसरे की ये अच्छी चीजें देखो तो उनसे हविस ना करो, हसद ना करो, बुग़्ज़ ना रखो। अगर अल्लाह ने किसी को कोई चीज दे रखी है तो तुम्हें भी तो अल्लाह ने दे रखी है, अपनी नेमतों पर शुक्रगुजारी करो। अलबत्ता अपने लिए अल्लाह के फजल की दुआ कर सकते हो, जितनी चाहो करो, लेकिन हविस ना करो, हिर्स ना रखो, हसद ना करो। अगर सच्चे दिल से दुआ करोगे और इस काम के लिए असबाब भी अख्तियार करोगे तो अल्लाह ताला यकीनन अपने बंदों पर बहुत इनायत करने वाला है। आगे फरमाया जो कुछ मर्दों ने कमाया है उसके मुताबिक उनका हिस्सा है और जो औरतों ने कमाया उसके मुताबिक उनका हिस्सा है। हाँ अल्लाह से उसके फजल की दुआ मांगते रहा करो, यकीनन अल्लाह हर चीज को खूब जानता है। इस आयत की शान नज़ुल में आता है तो उम्मे सलमा ने अर्ज किया कि मर्द जिहाद में हिस्सा लेते हैं और शहादत पाते हैं। हम औरतें इन फजीलत वाले कामों से महरूम हैं, हमारी मिराज भी मर्दों से निस्फ है। इस पर यह आयत नाज़िल हुई। अल्लाह ताला के इस फरमान का मतलब है कि मर्दों को अल्लाह ताला ने जो जिस्मानी क़ुव्वत और ताकत अपनी हिकमत और इरादे के मुताबिक अता की है और जिसकी बुनियाद पर वो जिहाद भी करते हैं और दीगर बैरूनी कामों में हिस्सा लेते हैं, ये अल्लाह ने उनके लिए खास अतिया किया है। अब उनको देखते हुए औरतों को मर्दाना सलाहियतों के काम करने की आरजू नहीं करनी चाहिए। अलबत्ता अल्लाह की अपात और नेकी के कामों में खूब हिस्सा लेना चाहिए
और नेकी के कामों में औरतें भी जो खूब हिस्सा लेंगी, जो मेहनतें करेंगी, अल्लाह उन्हें भी जिस तरह मर्दों को उनके करने का सिला मिलेगा, इसी तरह औरतों को भी मिलेगा। अल्लाह कहते हैं, बेशक अल्लाह ने यानी मिरास में मर्दों से निस्र हिस्सा रखा, मर्द को जिहाद का हुक्म दिया, लेकिन औरतों के लिए भी बहुत कुछ है। तो अल्लाह कहते हैं, तुम भी जो अजर करोगी उसको जाया नहीं किया जाएगा, तुम्हें उसका पूरा पूरा सिला दिया जाएगा। तो अल्लाह ने हुक्म दिया, तुम मेहनत करते रहो। अल्लाह ने कहा, अल्लाह तुम्हें भी तुम्हारी मेहनतों का समरा और फल देगा। आगे अल्लाह कहते हैं, जो कुछ तुर्का वालिदैन या करीबी रिश्तेदार छोड़ जाएं, हमने उसके वारिस मुकर्रर कर दिए हैं, और वो लोग भी जिन से तुमने अकद बांध रखा था, लिहाजा उन्हें उनका हिस्सा अदा करो, यकीनन अल्लाह ताला हर चीज पर हाजिर व नाजिर है। मवाखात और मिरास का यहाँ पे तस्करा आया। इब्न अब्बास कहते हैं, मवाली से मुराद वारिस हैं। वल्लदीन अकदत ऐमानुकुम जो लफ्ज आया, इसका मतलब है कि मुहाजिरीन इस्लाम। इब्तिदा में जब मदीना आए तो मुहाजिर अपने अंसारी भाई का वारिस होता, और अंसारी के रिश्तेदारों को तुर्का नाम मिलता था, क्योंकि नबी करीम ने मवाखात करा दी थी, यानी आपस में भाईचारगी उनकी कायम कर दी थी। फिर जब मुसलमानों की मईशत संभल गई तो ये आयत उतरी, वली कुल्लिन जअलना मवालिया। फिर यानी इस आयत के उतरने के बाद जो ऐसे भाइयों का तुर्का था, विरासत में उनका हिस्सा था, वो मौकूफ हो गया। और अब वल्लदीन अकदत ऐमानुकुम से मुराद वो लोग हैं जिनसे कसम खाकर दोस्ती, मदद और खैरख्वाही का अहद किया जा चुका है, उनके लिए तुर्का ना रहा, अलबत्ता वसीयत का हुक्म बाकी रहा। अल्लाह कहते हैं, अगर तुम उनके लिए कोई वसीयत करना चाहो तो कर दो, लेकिन अल्लाह ने जो वारिस हैं उनका हिस्सा मुकर्रर कर दिया। इस तरह भाईचारगी में तुम जो है वो उनको वारिस नहीं बना सकते, बल्कि तुम उनको कोई वसीयत करना चाहो अपने माल में से, इन मवाखात के जरिए, भाईचारगी के जरिए कुछ देना चाहो तो दे सकते हो, उससे मना नहीं फरमाया। यकीनन अल्लाह ताला हर चीज पर हाजिर व नाजिर है। यहाँ पर हमने आयत नंबर 33 तक अल्हम्दुलिल्लाह तर्जुमा तफ़सीर सीखा और समझा। अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद को सही तौर पर सीखने और समझने वाला बना दे, हमसे राजी हो जाए जहाँ कमियां कोताहियां हमसे हो रही हैं इंसान होने के नाते, अल्लाह ताला दरगुजर फरमा दें और हमसे राजी हो जाए। इंशाल्लाह फिर जिंदगी रही, अल्लाह ने चाहा तो मिलते हैं आइंदा क्लास में। आप सब अपना ख्याल रखिएगा, खास दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته